please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बिहार के नालंदा में गंभीर रूप से झुलसे एक आदमी को कुछ लोग स्ट्रेचर से उठाकर एम्बुलेंस में रखते नजर आए। ये आदमी 29 लोगों में शामिल है जो अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके की चपेट में आ गए, जिन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि हादसे के शिकार हुए करीब 30 लोगों में 12 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। कम से कम 25 वर्ष जारी। आरोप है कि सरफराज नाम का व्यक्ति किराए के मकान में अवैध रूप से पटाखों का निर्माण कर रहा था, तभी यह हादसा हुआ। इस हादसे की चपेट में आए करीब आधा दर्जन मकानों को भी भारी नुकसान पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। किसका मकान है ये? ये मकान मेरा है। बगल वाला? वो बगल वाला सरफराज जी का, वहाँ पटाखा बनता था। मलबे में दबे लोगों को निकालने में राहत कार्य में जुटे लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस घटना की खबर लगते ही जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन भगोड़ा में लोगों से धोखा कर रही चिटफंड कंपनियों का पर्दाफाश होने के बाद यूपी के DIG लॉ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार कैमरे पर आए और उन्होंने धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के DGP ऑफिस ने ऑपरेशन भगोड़ा की CD भी मांगी, ताकि न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन भगोड़ा में लोगों से धोखा करने वाली जिन कंपनियों का पर्दाफाश हुआ उन पर कानून का शिकंजा कस सके। इसलिए यूपी के DIG लॉ एंड ऑर्डर कैमरे पर आए और न्यूज 18 इंडिया से स्टिंग ऑपरेशन भगोड़ा की CD मांगी। CD प्राप्त करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरीके से रेगुलेटिंग एजेंसीज की अगर किसी नॉर्म्स का वायलेशन किया गया है तो उसमें उस पर कार्रवाई हो। सभी डिस्ट्रिक्ट SPs को हम इसको मैसेज कम्युनिकेट कराएंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि राजधानी लखनऊ में विधानसभा से कुछ दूर पर ही चल रही ऐसी ही एक कंपनी के मैनेजर ने खुलकर एक कंपनी खोलने और दूसरी को बंद करने का राज खोला। सबसे ज्यादा जो इसी तरह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, वाराणसी, भदोई, इलाहाबाद और लखनऊ में बेरोक टोक काम कर रही कई चिटफंड कंपनियों की कारगुजारी हमारे खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड हुई। लेकिन अब ऐसी कंपनियों पर कानून का शिकंजा कसना तय है। मामले पर DGP ऑफिस के बयान के बाद उन सभी जिलों की पुलिस ने धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ कमर कस ली, जिनके बारे में न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन भगोड़ा में अहम सबूत मिले, जिसकी शुरुआत लखनऊ से ही हुई, जहां स्टिंग ऑपरेशन के प्रसारण के फौरन बाद SSP ने धोखाधड़ी में जुटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने का दावा किया। अभी टेलीविजन में एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया गया, इस पर आपके द्वारा, हमारे द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया है और आपसे इसका एड्रेस लेकर के उस पर हम लोग अपने स्वतः कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। ऑपरेशन भगोड़ा में मिर्जापुर में विश्वामित्र इंडिया परिवार नाम की एक कंपनी के अधिकारी के बड़े बड़े दावे भी रिकॉर्ड हुए। देखिए गारंटी कौन कंपनी नहीं लेता, लेकिन ये रिकॉर्ड भी है कि कोई कंपनी 1 रुपया देता नहीं, चला गया तो चला गया, वहाँ से आधार नहीं है। ये कंपनी कम वक्त में पैसा दुगना करने का दावा करती है। मिर्जापुर के SP ने इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का भरोसा दिया। जैसा आपने बताया कि कुछ कंपनियों की और बात सामने आई है, जैसे इनके ऊपर में भी जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। भदोई और इलाहाबाद पुलिस ने भी अपने अपने इलाके में चल रही ऐसी तमाम कंपनियों पर कार्रवाई करने का दावा किया। उनमें कई कंपनियों की कारगुजारी ऑपरेशन भगोड़ा में भी रिकॉर्ड हुई, जिसकी गूंज उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में भी गूंजने लगी। यूपी के कानून मंत्री ने भी ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने साफ किया कि इस मामले में सही कार्रवाई तभी मानी जाएगी जब स्टिंग ऑपरेशन में फंसे चेहरों पर कार्रवाई होगी। सरकार उन चेहरों पर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, अगर नहीं करती है इसका मतलब साफ हो गया है कि इन जैसे लोगों का जो चिटफंड के जरिए गरीब आदमी को लूट रहे हैं, इन पर सरकार का श्रेय है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ने विपक्ष की आशंका को खारिज कर दिया। सरकार इस विषय को गंभीरता से लेगी और जो कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जिसके बाद तय हो गया कि न्यूज 18 इंडिया के स्टिंग ऑपरेशन भगोड़ा में फंसे ये चेहरे कानून से नहीं बच पाएंगे।